देखो बच्चों, इस फंक्शन को करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। इस फंक्शन का रेंज चाहिए, है ना, इस फंक्शन का रेंज चाहिए। क्या आंसर है? आर माइनस सेट ऑफ वन बाई फाइव कॉमा वन। देखो सेट, सेट के अंदर क्या है बोलो, वन बाई फाइव और वन। तो आर में से वन बाई फाइव को निकालना है और वन को निकालना है, दो एलिमेंट्स आर में से निकालने, ये इसका आंसर है। देखो ध्यान दो, ये एक्चुअली रैशनल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको मैंने पहले ही बताए थे कैसे करने होते हैं। देखो ध्यान दो, अभी देखो क्या इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो कर लो। देखो जैसे ये है, इसके फैक्टर देखो होंगे, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू। एक्स कॉमन हो गया तो एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन हो गया तो एक्स माइनस टू क्या बन गया, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। देखो इसका फैक्टर्स हो गया। ये देखो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का एक्स माइनस सिक्स। एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस थ्री, माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स प्लस थ्री क्या बना बोलो, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। देखो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, तो अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो फैक्टर्स को कर लेना चाहिए। ध्यान दो पहले, देखो क्या हुआ, वाई इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर क्या है, ये है एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। डिनोमीटर क्या है बोलो, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा है। देखो ध्यान दो, अब देखो यहां पर जैसे एक फैक्टर कॉमन है, तो अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उसे काट देना चाहिए, तो हम काट रहे हैं। देखो इस फैक्टर को इससे काट देना चाहिए, लेकिन अब देखो ध्यान दो, अगर हम कोई फैक्टर ऊपर नीचे से काटेंगे तो साथ में हम ये लिखेंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू वन। ध्यान दो, मतलब x माइनस वन को काटा तो अब हम इसको काटते ही लिखेंगे कि x वन नहीं होना चाहिए। तो बचे क्या है, बचे ये है कि जैसे ये वाला फंक्शन जो आपने लिखा था ये वन पर डिफाइन नहीं था, क्योंकि अगर x बराबर वन रखोगे तो इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन देखो वन पर डिफाइन है। ध्यान दो, ठीक, ये फंक्शन वन पर डिफाइन नहीं था, लेकिन देखो ये फंक्शन वन पर डिफाइन है। ध्यान दो, तो इसीलिए हमने इसको नॉट इक्वल टू वन कर दिया, मतलब इसको भी वन पर डिफाइन नहीं किया, क्योंकि दो चीजें अगर बराबर हैं तो दो चीजें बराबर तभी होती हैं मैथ्स में जब उनके डोमेन बराबर हों। जैसे इसका डोमेन एक्स वन नहीं आएगा और एक्स माइनस थ्री नहीं आएगा। अच्छा, इसके डोमेन में माइनस थ्री नहीं आएगा लेकिन इसके डोमेन में वन आएगा, तो इसलिए हमने इसमें से वन को निकाल के बाहर किया। तो जब भी कोई फैक्टर ऊपर नीचे से काटेंगे, ध्यान देना, रेंज निकालते समय, डोमेन निकालते समय तो फैक्टर वैसे भी नहीं काटना है। जैसे इस फंक्शन का अगर आपसे डोमेन पूछा जाता, ध्यान दो, अगर हमसे इस फंक्शन का डोमेन पूछा जाता तो इसका डोमेन होता आर माइनस, देखो एक तो वन निकालते और एक निकाल देते माइनस थ्री। ध्यान दो, यहाँ पर डोमेन निकालते समय तो वैसे भी फैक्टर्स नहीं काटने हैं। ध्यान दो, हाँ रेंज निकालने में फैक्टर काट सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टर कोई काटा तो उसको ऐसे लिखेंगे। ये बात तुमको शायद मैंने पहले ही बताई हो। ध्यान दो, अब देखो हमारे पास ये फंक्शन बना, क्या बना बोलो, वाई बराबर एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस थ्री। ये फंक्शन बना अपने पास, इसका रेंज चाहिए। क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस थ्री वाई बराबर एक्स माइनस टू। एक्स कॉमन लिया, वाई माइनस वन बराबर माइनस टू माइनस थ्री वाई। देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 3y अपॉन 1 माइनस y। ध्यान दो, माइनस कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया इससे मल्टीप्लाई। देखो अब जैसे ये कह रहा है कि y को 1 नहीं होना चाहिए, है ना, ये क्या कह रहा है बोलो, ये कह रहा है कि y को 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, एक्चुअली x 1 नहीं है, एक्चुअली क्या है, देखो x की वैल्यू 1 नहीं है, और अगर हम देखो इसमें x की वैल्यू 1 रख दें, मान लो बाई चांस अगर हम इसमें देखो x की वैल्यू को 1 रख दें, तो x की वैल्यू 1 रखने से देखो y क्या आएगा, ये आएगा माइनस वन बाई फोर आएगा। ध्यान दो, है ना, देखो ये कह रहा है कि y 1 नहीं होगा, ठीक है, y की वैल्यू 1 नहीं होगी, मान लिया हमने। लेकिन देखो अगर y 1 नहीं है और अगर हम देखो यहां पर x को 1 रख दें, अगर हम इसमें x को 1 रखें तो देखो क्या होगा, x को 1 रखने से, यहाँ पर ध्यान दो सब बच्चे, x को जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ पर, तो x को 1 रखने से ऊपर मिलेगा माइनस 1, नीचे मिलेगा 4,
तो x को 1 रखने से y की वैल्यू -1/4 मिलेगी, लेकिन x को आप 1 रख नहीं रहे हो, इसलिए y की वैल्यू -1/4 नहीं होगी, ध्यान दो, क्योंकि आप x को 1 नहीं रख रहे हो, इसलिए y की वैल्यू -1/4 भी नहीं होगी। तो एक तो 1 को निकालना होगा, दूसरा -1/4 को निकालना होगा। तो देखो ध्यान दो यहाँ पर एक सेकेंड, ये ओहो हो, ध्यान दो भाई, ओहो सॉरी, देखो इसके फैक्टर में गलत कर दिया, ये क्या होगा प्लस का 5x और माइनस का x, ध्यान दो ऐसे आएगा, हाँ ये आएगा, ध्यान दो भाई, लिखो सब बच्चे ध्यान से, इसका फैक्टर क्या होगा बोलो, सॉरी प्लस का क्या होगा, देखो 6x माइनस का x, ऐसे फैक्टर होगा इसका, प्लस का 6x और है ना, सही है, क्या था x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 था ना, नहीं ठीक है, क्या होगा देखो, यहाँ पर होगा 3x और यहाँ पर होगा माइनस का 2x, ऐसे होगा है ना, यहाँ पर प्लस का 3x माइनस का 2x, तो माइनस 2 जब कॉमन लोगे बेटा तो क्या आएगा x प्लस 3 और x माइनस 2 आएगा भाई, ओहो सारा गड़बड़ हो गया है ना, इसके फैक्टरी में थोड़ा जूस में ज्यादा आ गया, तो ज्यादा जूस में आने की वजह से देखो इसके फैक्टरी में गलत कर गया, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, देखो इसके 3 और माइनस 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, तो x कॉमन लिया माइनस 2 आया, तो x प्लस 3x माइनस 2, अब देखो क्या हुआ, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 आएगा और x माइनस 2 आएगा, ध्यान देना x माइनस 2 आएगा, तो अब देखो होगा क्या, ऊपर तो यही है, अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, तो इसलिए x नॉट इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, ध्यान दो भाई, क्योंकि अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, तो जब x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा तो x को नॉट इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, और यहां पर देखो ये बच जाएगा क्या, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, ध्यान दो, ठीक है, ये बचेगा, और अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां पर क्या बचेगा, 3x प्लस 3y बराबर x माइनस 1, ठीक है, और x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 माइनस 3y, तो देखो 1 प्लस 3y अपॉन, हाँ ठीक है, 1 माइनस y, हाँ तो ठीक है, यहाँ से y नॉट इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन देखो हम x को नॉट इक्वल टू 2 लिख रहे हैं क्योंकि हमने ये फैक्टर ऊपर नीचे से काट दिया, तो अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y क्या आएगा बोलो, y आएगा 1/5, लेकिन एक्चुअली हम x को 2 ले नहीं रहे हैं, इसलिए y को 1/5 भी नहीं ले सकते, समझो बात को ध्यान, देखो जिस फैक्टर को काटते हैं ऊपर नीचे से, जिस फैक्टर को ऊपर नीचे से काटते हैं, ध्यान दो इसका डोमेन भी चेंज हो जाएगा 2 और माइनस 3, जिस फैक्टर को ऊपर नीचे से काटते हैं वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 को काटा तो हम कहेंगे x नॉट इक्वल टू 2, अब जब हमने ये फैक्टर काट दिया इसको लेकर हमने रेंज को निकाला तो y नॉट इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन ध्यान दो अगर हम x को 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 1/5, लेकिन x को 2 रख नहीं रहे हैं, एक्चुअली हम x को 2 ले नहीं रहे हैं, इसलिए y को 1/5 भी नहीं लेंगे, इसलिए फाइनली जो रेंज का आंसर आएगा वो आएगा r माइनस 1, तो देखो 0.1 निकलेगा और एक पॉइंट निकलेगा क्या बोलो 1/5 निकलेगा, ध्यान दो दो पॉइंट्स निकलेंगे, क्योंकि देखो यही अपना आंसर है, वन देखो सेट के अंदर है, इंटरवल नहीं है, सेट है, सेट मतलब दो पॉइंट्स निकालना, सेट का मतलब होता है सिर्फ दो पॉइंट्स, ठीक है, 1/5 और 1 2 को निकालना है आर में से, ठीक है, तो देखो 1 तो यहां से देखा लेकिन 1/5 यहां से देखा, क्योंकि अगर x को 2 लोगे तो y 1/5 आएगा, लेकिन 2 नहीं ले रहे हैं तो y को 1/5 भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए फाइनली रेंज का आंसर देखो ये आ गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तुमको मैंने शायद ऐसे पहले भी क्वेश्चन कराए हो फैक्टर कैंसिल करने वाले, ध्यान दो, ठीक है, तो डोमेन में फैक्टर कभी कैंसिल नहीं करना, लेकिन हाँ रेंज निकालने में फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंसिल किया तो साथ में इसको लिखना पड़ेगा, देखो सब बच्चे ध्यान से,